हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशुज़ आर्ट एंड कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। आप इसको वेज बिरयानी भी बुला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत इजी है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी कटोरी बासमती चावल लिया है और इसको अच्छे से धो के भिगो दिया है। हम इसको 30 मिनट तक साइड में छोड़ देते हैं, तब हम बाकी की सब्जियाँ और मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मसाले और सब्जियाँ यूज़ की है उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, उतना ही मैंने बटर लिया है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते जाएंगे। जब बटर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि तेज़पत्ते, लवंग, इलायची, दालचीनी। ये जो मैंने मसाले यूज़ किए यहाँ पे वो सब ऐड कर रही हूँ। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज काट लिए थे, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। अगर हमें प्याज जल्दी होना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि प्याज जल्दी हो जाए। अभी प्याज अच्छे से हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसको मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। तो मुझे ना जो काजू है वो ऑयल में फ्राई करने हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले काजू ऐड कर दिए हैं। काजू और पिस्ता लिया है मैंने, तो वो दोनों भी अच्छे से चला लेंगे। देखिए, अभी कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ 5-6 हरी मिर्च यूज़ की है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। उसके बाद जो हमारी बची हुई सब्जियाँ है, जैसे कि गाजर, आलू, टमाटर, ये सब्जियाँ भी हम एक के बाद एक डालते जाएंगे। तो मैंने गाजर को पहले डाला है क्योंकि गाजर को पकने के लिए टाइम लगता है। जब गाजर हो जाए 2 मिनट बाद तो हम इसमें आलू भी ऐड कर देते हैं। आलू हो जाए तो हम टमाटर ऐड कर देते हैं, तो हमें टमाटर सबसे लास्ट में डालना है। तो देखिए, अभी सभी सब्जियाँ मैंने डाल दी है। हम इसको अभी अच्छे से चलाएंगे। टमाटर ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। और मैंने यहाँ पे एवरेस्ट मसाला यूज़ किया है बिरयानी का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे लीड लगा के इसको अच्छे से पकाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते, नमक, बिरयानी मसाला ये यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, अभी हमारे सब मसाले डाल के रेडी है। तो हम इसमें अभी देख लेंगे कि सब्जियाँ पकी है कि नहीं। तो मेरी सब सब्जियाँ पक चुकी है, तो हम यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ देते हैं ताकि बिरयानी को थोड़ा खट्टापन आ जाए। अभी चावल भी भीग के रेडी हो चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पूरे कटोरी चावल ऐड कर दिए हैं और हम इसको हल्के हाथ से मिलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। अभी चावल अच्छे से मिक्स होने लगे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमने चावल लिया है उतना ही पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिया था, तो मैंने 2 कटोरी ही पानी लिया है ताकि वो खुला खुला बने। देखिए, अभी ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो हम इसको लीड लगा के 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। मिनट बाद देखिए, अभी चावल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो मुझे ना यहाँ पे बिरयानी है तो मैंने इसे दम देना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बर्तन के नीचे तवा रख दूँगी, उसके ऊपर बर्तन रख के हम इसको लो फ्लेम पे 3 मिनट होने देंगे। देखिए, अभी हमारी गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है। तो आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।